दोस्तों हमारे बगल में जो शख्सियत है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं, देखने से पहचान हो गए होंगे कि रोसड़ा के माननीय विधायक भाई वीरेंद्र जी। और दोस्तों मौका आज ये नहीं है कि इनसे विकास को लेकर के कोई सवाल पूछे, क्योंकि 4 साल हो गया है, 2025 में चुनाव है। अब कितना कुछ विधायक जी किए, कितना कुछ रह गया, इसके लिए अलग मौका मिलेगा, सवाल जरूर पूछेंगे। लेकिन आज विधायक जी रोसड़ा विधानसभा के सिंगिया प्रखंड के सिवैया गांव में जन्माष्टमी के उत्सव में पहुँचे हुए थे, और जिस तरह से विधायक जी पहुँचे हैं और जिस तरह का भव्य आयोजन था और जिस तरह से कबड्डी की प्रतियोगिता की गई, जिस तरह से मटका फोड़ की प्रतियोगिता की गई, जिस तरह से विधायक जी का सभी लोगों ने दिल खोल कर अभिवादन किया, विधायक जी का स्वागत किया और विधायक जी को फूल माला देकर सम्मानित किया, और निश्चित रूप से जिस तरह से विधायक जी छोटे छोटे आयोजन में, छोटे छोटे गांव में पहुंच करके लोगों से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, और लोगों को जो प्यार मिल रहा है और लोगों का जो स्नेह मिल रहा है, निश्चित रूप से विधायक जी बताइएगा सिवैया गाँव में आकर के कैसा लगा। सबसे पहले तो आपकी बातों का जो है हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं, जो सारी बात आपसे हम बोल दिए हैं। और रही बात आयोजन का, तो जन्माष्टमी के अवसर पर हम आयोजन समिति और गांववासियों को जो है आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष जो है आयोजित करते हैं, और खास करके जो है कबड्डी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मटका फोड़ जो मोटा मोटी दिखने से लग रहा है 25 से 28 फीट की ऊंचाई पर जो है मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया है, तो आगे जो कार्यक्रम होगा अगले वर्ष 2025 में, तो हम आयोजन समिति से आग्रह करना चाहते हैं आगे वर्षों के लिए जो इस तरह की परंपरागत खेलों का आयोजन किया जाए और इसे संरक्षित रखने का कार्यक्रम किया जाए, जैसे कुश्ती हो गया, मलखम हो गया, मटका फोड़ हो गया, कबड्डी हो गया, इससे क्या है नौजवानों की जो तरुणाई है उसमें जोश आता है और जोश से उनका जो है सीना जो है फैलता है और उनकी सीने की चौड़ाई से जो है समाज गौरवान्वित होते हैं, इस तरह का गौरव आने वाले पीढ़ी को प्राप्त होगा। इस कृष्णाष्टमी के अवसर पर जो है इन्हीं बातों के साथ आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। एक सवाल है विधायक जी, आप भी जब युवा अवस्था में थे जन्माष्टमी में भाग लेते थे मटका फोड़ में? हम लोग कुश्ती में भाग लेते थे, कुश्ती खेलने का जो है शौक रहा है और खेलते भी थे, अभी भी नौजवानों को देखते हैं तो अखाड़ा में उतरने का मन जो है करता रहता है और अभी भी जो है। अच्छा, ये जो गांव है विधायक जी सिवैया गांव, ये पिछड़ों दलितों का गांव है मूल रूप से, आप भी दलित समाज से आते हैं, ऐसे में दलित युवाओं का जो जुड़ाव आप ईश्वर के प्रति देख रहे हैं, भगवान के प्रति देख रहे हैं, ऐसे सकारात्मक चीज़ों में देख रहे हैं, एक तरफ जहां समाज में युवा गलत तरफ बढ़ रहा है, नशा का सेवन इत्यादि इत्यादि, वैसे में इस सकारात्मक चीज़ से क्या लगता है सकारात्मक असर पड़ेगा युवाओं पर? अब जब नौजवान कुश्ती लड़ेंगे, मलखम का अभ्यास करेंगे, मटका फोड़ने का अभ्यास करेंगे, कबड्डी खेलेंगे, तो अपने वजनों से ताकत को तोलेंगे और जब ताकत को तोलेंगे तो नशा वृत्ति और जितनी भी कुरूति है उसके जीवन से स्वतः दूर हो जाएगा। तो हम लोग भी थे, तो आज तक जो है किसी तरह की कुरूति नहीं आई है जीवन में, नशापान जैसा कुरूति से हम लोग कोसों दूर हैं, और नौजवानों को देखने के बाद लगता है जो 55-56 वर्ष की उम्र में भी जो है 20-22 साल के नौजवानों के साथ हम भी भिड़ंत कर सकते हैं, यह जो है अभी भी शौक है कुश्ती, अभी भी शौक लड़ते हैं कि नहीं विराह में तो लगता है खड़ा मौका मिलने के साथ, आप जनप्रतिनिधि हैं। एक अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल, 4 साल आपका हो गया विधायक जी, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ना कि वो एंटी इनकम्बेंसी जो होता है वो नहीं दिख रहा है, लोग आपको फूल दे रहे हैं, माला पहना रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि 4 साल से बहुत ज़्यादा लोग आपके कार्यकाल से घुसाए उसाए नहीं? आप देख लीजिए, विकास की बात जब आप बोल रहे हैं तो विकास जीवन के साथ एक सतत प्रक्रिया है, इसकी न शुरुआत होती है न अंत होता है, जिस तरह से जीवन जो है चलंत है और प्रकृति के सानिध्य में चलते रहता है, उसी तरह विकास की आवश्यकता बनी रहेगी। इस गांव पे ध्यान रखिएगा ना विधायक जी। अब सिवैया बड़ी गौरवशाली गांव है जो बागमती के बाई ओर जो है बसा हुआ गांव है, और आपने कहा गांव सब लोगों के मिलकर के बनता है, और गांव में जो है उत्तर में बसा हुआ गांव है सिवैया, तो आज हम अपनी ओर से जो है
यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते तमाम ग्रामवासियों को और हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं जिन और क्षेत्रवासियों को भी जो है प्रणाम करते हैं और जन्माष्टमी के अवसर पर शुभकामना व्यक्त करते हैं। और इन लोगों के माध्यम से इस गांव में आने का जो गौरव मुझे महसूस हो रहा है, यह गौरव जो है मुझे बार बार मिले, इसी आग्रह के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। संदीप कुमार जो रनर है आज उनके हाथ में सर्वोपरि उनके हैं, सबके साथ हमारे विधायक महोदय सभी खड़े हैं। उनके पहले हाँ लीजिए माल्य अर्पण कर रहे हैं। ताली ताली मट्टी उड़ा रहे हैं। रनर टीम को हमारे विधायक महोदय, मैं चाहूंगा कि एक बार पूरा छोटा ताली होनी चाहिए। और अब ग्रुप सी पीछे रह जाए, ग्रुप बी आगे आए, जल्दी आए, बारिश हो रही है। कैप्टन गोलू